वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर. आज की क्लास में हम सेक्शन 80DD को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेंटेनेंस डिडक्शन मिलती है डिजेबल पर्सन के लिए. ये डिडक्शन या तो खुद डिजेबल पर्सन क्लेम कर सकता है या कोई डिपेंडेंट जो कि टेक केयर करता है डिजेबल पर्सन की. तो यहाँ पर 80U वाज फॉर डिजेबल पर्सन अर्निंग एंड मेंटेनेंस देमसेल्फ. सेक्शन 80DD फॉर अ पर्सन हु इज मेंटेनिंग a disabled dependent. Same deduction criteria follow in this section, जो कि हमने पढ़ा था ऊपर 80U में. 75,000 रुपए का क्लेम हो सकता है नॉर्मल डिजेबिलिटी के केस में और 1,25,000 तक का क्लेम ले सकते हैं डिडक्शन में सीवियर डिजेबिलिटी के केस में. लेकिन ऊपर जो हमने देखा था 80U में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें डिजेबल पर्सन ही क्लेम कर सकता था, लेकिन यहाँ पर इस केस में डिजेबल पर्सन के साथ साथ डिपेंडेंट भी उसको क्लेम कर सकता है. सपोज कोई अर्निंग जो टेक केयर है वो डिडक्शन चाहता है अपने सन के लिए जो कि डिजेबल है, तो वहां पर वो 80DD में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं. दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल और HUF, यानी कि HUF फैमिली कोई भी मेंबर वहां पर जो कि डिपेंडेंट है डिजेबल पर्सन के लिए, वो ये डिडक्शन को क्लेम कर सकता है. दूसरा, डिडक्शन ओनली अकर्स व्हेन एसएससीज इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट. अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पे पैसा खर्च किया है या इंश्योरेंस प्रीमियम पे पैसा खर्च किया है तो ही 80DD का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है. डिजेबल पर्सन के लिए फूड, वाटर, एकोमोडेशन ये सब चीजें इसमें कवर नहीं होती. इफ एसएससी स्पेंट सम अमाउंट ऑन ट्रीटमेंट इट इज नॉट रिलेवेंट अंडर डिडक्शन. सपोज जो डिपेंडेंट है उसने 4,000 या 5,000 का अमाउंट ही डिडक्शन के लिए क्लेम करा है तो वो रिलेवेंट नहीं होगा. यानी कि सम अमाउंट हम यहाँ पर नहीं ले सकते, थोड़ा लार्ज अमाउंट इस केस में हमें लेना होगा. 75,000 से अगर ज्यादा का है तो 75,000 तक का क्लेम कर सकते हैं नॉर्मल डिजेबिलिटी के केस में, और 1,25,000 से ऊपर का है तो फिर 1,25,000 तक का हम सीवियर डिजेबिलिटी में क्लेम ले सकते हैं. स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, एनी मेंबर ऑफ HUF इज डिपेंडेंट फॉर डिजेबल पर्सन. एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर. मिस्टर एक्स इज अ फादर ऑफ विकास हु इज सीवियर डिजेबिलिटी. मिस्टर एक्स अर्न करता है 3,50,000 और एक्सपेंसेस खर्च करे हैं 70,000 रुपए, 60,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पर. तो टोटल यहाँ पर जो खर्चा हुआ है 1,30,000 तक का खर्चा हुआ है. अब हमने ऊपर देखा था सीवियर डिजेबिलिटी के केस में 1,25,000 तक का ही हम क्लेम ले सकते हैं. तो टोटल खर्चा जो एक्स ने करा है अपने बेटे विकास के लिए 1,30,000 का, उसमें से वो 1,25,000 तक का ही डिडक्शन क्लेम कर सकता है जो कि डिपेंडेंट है अपने सन विकास के लिए, और इस सेक्शन में उसको क्लेम मिल जाएगा 80DD में 1,25,000 का. तो ये था हमारा सेक्शन 80DD. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलेंगे जो कि होगा 80GG. आज की वीडियो में इतना ही. बाकी के अपडेशन के लिए और PDF डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.